हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 24 जैन और हम बात करने वाले यस बैंक के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 19 के रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, एक एक करके हम सारी चीजों को बात करेंगे। तो देखिए, इस क्वार्टर में क्या हुआ, इस क्वार्टर में यस बैंक ने 1000 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। और अगर आप इसे सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल से कंपेरिजन करेंगे, यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 18 वाले से, तो देखिएगा 7% की गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। तो चलिए एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या चीजें। तो देखिए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, आप देखिए यहाँ पे इनकम है क्योंकि बैंक है। तो देखिए, यहाँ सेल्स नहीं है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से होने वाली जो इनकम है वो कितनी है, 26,664, ठीक है, मिलियन। हर सारा डाटा जो है वो मिलियन के अंदर है, ये चीज को आप समझिएगा, ठीक है। तो इतने का अब इसमें क्या आपको ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ दिखाई देगी वो 41.2% की दिखाई देगी। तो चलिए, ये काफी अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज हमें दिखाई पड़ी। अब चलिए नॉन इंटरेस्ट इनकम पे बात करते हैं। तो देखिएगा, इसमें थोड़ी सी आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी, कितनी, -37.4% क्वार्टर टू क्वार्टर, ये ट्रेजरी बिल की वजह से हुआ है। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। और चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे, देखिए अब जो देखने वाली चीज हमारे लिए है वो है, देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो देखिए, जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इस दोनों चीजों की कैलकुलेशन कर लीजिए। ये क्वार्टर आपके फाइनेंशियल ईयर 19 के हैं और देखिए ये आपके 18 के हैं, ठीक है, 17-18 वाला और देखिए 18-19 वाला। तो देखिए, इनके जो माइनस करके आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि मैं बता रहा हूँ, तकरीबन इसमें इस फिस्कल में जब आप करके देखेंगे तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट आपको मिलेगा, यस बैंक ने बनाया है। लेकिन जब हम उसे कंपेयर करते हैं लास्ट दिसंबर से, यानी कि 2017 और 18 वाले से, फाइनेंशियल ईयर से, तो देखिएगा 7% की नेगेटिविटी आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पर वो क्यों है वो हमें पता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए ही रवनीत गिल जी को लाया गया है, जिस वजह से आज आपको बहुत बड़ी तेजी दिखाई पड़ी होगी। तो चलिए, ये इतना कोई मैटर नहीं करता, तो आगे और देखते हैं। तो देखिएगा, आप जो देखने वाली चीज है वो है एडवांसेस और देखिएगा आपके डिपॉजिट। तो देखिए, मैं आपको बता दूं ये चीजें क्या है। एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, इसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी। अब वो कितनी मिलेगी देख सकते हैं आप, 31 दिसंबर 2018, और देखिएगा क्वार्टर ईयर टू ईयर हम देख रहे हैं 31 दिसंबर 2017। तो देखिएगा, ईयर ऑन ईयर में आपको ग्रोथ दिखाई देगी 42.2% की। तो देखिए, ये क्या चीज है, आप सीधे सीधे समझ लीजिए, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब देखिए, एडवांसेस होते हैं क्या, बैंकिंग में एडवांसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयज को एक लोन देते हैं अपनी कुछ शॉर्ट टर्म की, जो भी उनकी फाइनेंशियल उनका कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को जो भी लोन दिया है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तो देखिए, इसका नेचर क्या होता है, देखिए ये जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और देखिए सिक्योर होता है। इसमें ये नहीं है कि कोई तरीके का एनपीए बन जाएगा, एनपीए नहीं बनेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, बड़ा है और जिससे बैंक को अच्छा प्रॉफिट भविष्य में मिलेगा। अब डिपॉजिट देखिएगा, डिपॉजिट भी जो है वो 29.7% बड़े हैं ईयर ऑन ईयर में, ठीक है। तो इस चीज को भी आप समझिएगा, ये दोनों देखने लायक चीजें हैं और दोनों हमें पॉजिटिव मिली, ठीक है, ये हमें काफी अच्छी चीज मिली है। और चलिए फिर नीचे चलते हैं। अब जो देखने वाली बात और है हमारे लिए वो है हमारे लिए ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। तो देखिएगा, अब ये ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए क्या होती है, तो पहले मैं बता दूं एनपीए क्या होती है। देखिए, एनपीए होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैड लोन, ठीक है, जो आजकल आपको बहुत सुनने के लिए मिलता होगा न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में, मीडिया में। तो देखिए, अभी ग्रॉस एनपीए क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए, ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लिए, 100 करोड़ में से आपने 60 करोड़ लौटा दिए, लेकिन 40 करोड़ आप नहीं दे पाए, ठीक है, बैंक को। तो देखिए, वो बैंक के लिए वो जो 40 करोड़ आप नहीं दे पाए वो हुआ ग्रॉस एनपीए। तो देखिएगा, उसकी जो परसेंटेज निकल के आ रही है इस वाले क्वार्टर में, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर को, तो देखिएगा वो 2.10% के लगभग आ रही है, यानी कि वो बड़ी है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, ठीक है, यानी कि अपने लास्ट वाले क्वार्टर से, 31 दिसंबर 2017 वाला फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब ये नेट एनपीए क्या चीज होती है, नेट एनपीए भी देखिएगा बड़ा है, ठीक है, मोटी मोटी बात। तो देखिएगा, ये भी थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अब इन्हीं चीजों के लिए नए सीईओ को लेके आया गया है। ये जो चीजें हमें दिखाई पड़ रही थी शायद आगे भविष्य में ना दिखाई पड़े, ठीक है, वो अच्छा काम करेंगे ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं नेट एनपीए क्या होता है।
लेकिन नेट एनपीए क्या होता है, जो आप 40 करोड़ नहीं दे पाए थे, अब उसमें से क्या होता है कि बैंक के पास एक प्रोविजन फंड रखा हुआ होता है जो भविष्य में किसी भी तरीके की लाइबिलिटी यानी कि कोई भी बैड लोन अगर कोई करता है तो उसके लिए वो पैसा वो यूज करेगा और उससे निपटेगा। ठीक है, तो देखिये मान लीजिए बैंक ने आपको 30 करोड़ का प्रोविजन दे दिया, तो देखिए वो तो ठीक है, अब वो प्रोविजन दे दिया, उसके बाद जो 40 में से 30 तो घटाओ तो 10% जो 10 करोड़ जो बचेगा, ठीक है, वही आपका नेट एनपीए होगा। तो आप समझ लीजिए जो प्रोविजन के बाद जो बचा है आपका ग्रोस एनपीए, ठीक है, ग्रोस एनपीए के बाद ग्रोस एनपीए में जो प्रोविजन दिया गया उससे जो हमारा नेट एनपीए बचा है, ठीक है, वो 1.18% बचा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। ठीक, तो ये दो चीजें हमें नेगेटिव मिली यहाँ पर, और देखिएगा और देखते हैं। मैं आपको बता दूं जो कंपनी का एक्सपोजर है, एक चीज और बता दूं, आईएलएफएस ग्रुप का वो तकरीबन 250 करोड़ के लगभग है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। और देखिए टोटल ग्रोस स्लिपेज जो था वो भी तकरीबन 2200 करोड़ के अराउंड है। ठीक, 2300 करोड़ के लगभग, तो इस चीज को भी आप समझिए। ये सब चीजें जिनसे नए सीईओ आके सीधे निपटेंगे, ये वो परेशानियां थी बैंक के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें और किसी चीज की, जो अगर आप देखें तो एडवांसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो लगभग हमने सारी चीजें बात कर ली, हर चीज के बारे में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको जो छूटी हो। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में 60% की गिरावट हमें दिखाई पड़ी है। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं है, जिस तरीके की तेजी में दिखाई पड़ी है नए सीईओ के आ जाने से, और नया कुछ भी भविष्य में अच्छा काम करेंगे इसी उम्मीद से उनको लेके आया गया है। तो देखिए आपको चीजें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी, अगले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट दिखाई देंगे वो आपको बढ़िया ही दिखाई देंगे। तो चलिए फिर, लगभग हमने सारी बातें कर ली हैं, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करिए, और कुछ भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।